सरकार ने यूसीसी को लेकर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यूसीसी के लिए गठित देसाई कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। वही रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने सूबे में यूसीसी को लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी पर पेश है मैं खास रिपोर्ट, देखिए। केंद्र की मोदी सरकार हो, यूपी की योगी सरकार या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार हो, बीजेपी सरकार अपने एजेंडों को लेकर हमेशा से ही गंभीर नजर आती है। यही वजह है कि कश्मीर में 370 का हटना, अयोध्या में श्री राम मंदिर का बनना और यूपी में अपराधियों पर एक्शन हो या फिर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी की कार्यवाही हो, बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करती जरूर नजर आती है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने अपने एक और वादे को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार की इस कवायद पर कटाक्ष भी किया है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कॉमन सिविल कोड है, ये कोर्ट नहीं है कि अलग अलग राज्यों का एक एक कोर्ट पहन लिया, अलग रंग का कोई व्यक्ति पहन ले, जो है ये कोड है। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब है सारे देश के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया उसको, जो है। तो अब उत्तराखंड का एक अलग कोड बनेगा, किसी और राज्यों का अलग बनेगा, तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। और जो कॉमन सिविल कोड का कंसेप्ट है, जो हमारे संविधान की जो है में सम्मिलित है जिसमें उसमें, तो वो उसके उस पर भी चोट करता है। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी तो करनी है तो अमित शाह जी को करनी चाहिए, मोदी जी को करनी चाहिए कॉमन सिविल कोड की, उसमें जो है धामी जी कहां से आ गए। 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में धामी सरकार यूसीसी बिल सदन में पेश करेगी। सदन में धामी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, यूसीसी कानून पास होने में कोई संशय नहीं है। बहरहाल इस कवायद के बाद यूसीसी कानून है क्या और आजादी के बाद से अब तक ये क्यों लागू नहीं हो सका, ये समझना भी बेहद आवश्यक है। क्या है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका मतलब होता है एक देश और एक कानून। जिन भी देशों में समान नागरिक संहिता लागू होती है, वहाँ विवाह, बच्चा गोद लेना, तलाक, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि भारत में अभी ऐसा नहीं है, यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू होने पर सभी धर्मों को वो कानून मानना पड़ेगा जो संसद में बनेगा। भारत में यूसीसी लागू करने में क्या क्या समस्याएं आईं? संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात है, फिर भी भारत में ये लागू नहीं हो सका। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर धर्म के रीति रिवाज अलग हैं। यहाँ बता दें कि समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में हुआ था, वो ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू होना चाहिए। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन आदि तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग कानून भी हैं
और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो फिर सभी एक कानून के दायरे में आ जाएंगे। धामी सरकार की कवायद जमीन पर उतरी तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा, जो कि मुख्यमंत्री धामी की एक बड़ी उपलब्धि होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।